पिछले 9 दिनों से उत्तरकाशी की एक सुरंग में 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन 200 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बावजूद इन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका, जबकि उन्हें बचाने के लिए कई एजेंसियां एक साथ लगी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन फिर भी सुरंग से मजदूरों की सुरक्षित वापसी होना बाकी है। वहां से ताजा तस्वीरें भी आपको हम दिखा दें। 9 दिनों में आज पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों को खाना पहुंचाया जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए 24 बोतल भरकर खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़ी पाइप आर पार होने के बाद प्लास्टिक की बोतलों में भरकर खाना भेजा गया। हेलो अंकित, अरे घर वालों के लिए कुछ कहना है बेटा? अंकित बताओ बताओ, रिकॉर्ड हो रहा, हम भेजेंगे घर पे। ये बातचीत उत्तरकाशी के सिलक्यारा की इस सुरंग में फंसे मजदूरों से हो रही है। इस सुरंग के मुहाने पर न जाने कितने लोगों की जिंदगी की उम्मीदें टिकी है। किसी का भाई फंसा है तो किसी का बेटा। सवाल यह है कि इतने दिन बाद भी मजदूरों को निकालने में कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रहा। 23 साल के पुष्कर सुरंग में सही सलामत है, ये जानकर उनकी माँ को सब्र तो है, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है उनका भी हौसला दरकता जा रहा है। बेचना पड़ा है, मेरा खेत भी बेचना पड़ा, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो, मेरा सब कुछ बेच दो, मेरे बेटे को यहाँ पहुँचा दो जल्दी से जल्दी। घर की देरी पर बैठकर बेटे का इंतजार करती है बूढ़ी माँ, और कह भी कह सकती है, क्योंकि जिन विभागों के पास 9 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि पुष्कर जैसे मजदूर कब तक अपने परिवारों से दोबारा मिल पाएंगे। 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सुरंग में हादसा हुआ। हादसा होता है, अगले दिन मजदूरों तक ऑक्सीजन पाइप पहुंचा दिया जाता है। 14 नवंबर को खुदाई शुरू हो जाती है। 15 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके पहुंचा दिया जाता है। 16 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिल शुरू हो जाती है। 17 तारीख को 21 मीटर तक खुदाई हो जाती है। 18 तारीख को पीएमओ का एक बड़ा अधिकारी इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेता है। इसके एक दिन बाद भारतीय सेना भी इस अभियान में शामिल हो जाती है। 19 तारीख को केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी हादसे की जगह पहुंचते हैं, और 9वें दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स मजदूरों को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों को बचाने में कामयाबी नहीं मिलती। बस टनल में फंसे मजदूरों की आवाज सारा देश सुनता है। अब जल्दी निकालिए अंदर हम लोग, बोल रहा हूँ 8 दिन का हिम्मत ही बना के रखे हो तभी। पहाड़ के पेट में धसी हुई सुरंग के बीच से जिंदगी की उम्मीद तलाशते यही बोर्ड 9 दिन से 41 सांसों की डोर थामे हुए है। एक पतले से पाइप से 60 मीटर गहरी सुरंग के अंदर से आती आवाजें कभी साफ सुनाई पड़ती हैं, कभी मध्यम पड़ जाती हैं। जब आपस में बातचीत हो जाती है तो दोनों तरफ तसल्ली का आलम होता है। हेलो अंकित, अरे घर वालों के लिए कुछ कहना है बेटा? अंकित बताओ बताओ, रिकॉर्ड हो रहा, हम भेजेंगे घर पे। घर वाले सब ठीक हैं, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। हम सबस्तिये से आए हैं, डीएम साहब के यहाँ से। अब सवाल ये है कि टनल कैसे धस गई है और मजदूरों को बचाने में देरी क्यों हो रही है? क्या इसकी वजह विदेशी कंपनी से देरी से मदद मांगना है? क्या इसीलिए बचाव अभियान की समय सीमा तय नहीं हो पा रही? सिचुएशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, चुनौतीपूर्ण है। और एग्जैक्ट जो होता क्या है कि जब मलबा गिरा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन है, किस प्रकार का स्ट्रेटा है, आगे क्या ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसकी बहुत क्लैरिटी होती नहीं है। और उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज चाहिए, अलग अलग उपकरण चाहिए जिनसे कार्यों को किया जाना है। और इसीलिए अभी वर्तमान में आज की अपडेट ये है कि अलग अलग जो विकल्प तय किए गए थे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा, उन सभी पे पैरेलली काम चल रहा है, और हम होपफुल हैं कि जल्दी ही कुछ समय में या कुछ दिनों में हम इसमें ब्रेक थ्रू पाएंगे। कई जानकारों का कहना है कि सिलक्यारा टनल जिस जगह पर बनी हुई है वहां से होकर एक शेयर जोन निकलता है,
शेयर जोन एक तरह से चट्टान के चूरे वाले क्षेत्र को कहा जाता है जो खासा कमजोर होता है। तो क्या यही कारण है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है? विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। You don't have to hear it from me. You just have to look. Come, just let me show you. Like, what is the difficulty? This is the difficulty. That's the difficulty. It is believed that this is one of the newest mountains, is very fragile in nature. Very fragile. You don't have to be a professor. Right. It's telling you what the problem is. तो इस जोन में सुरंग बनाने में एहतियात बरती जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या टनल बनाते वक्त सावधानियां नहीं बरती गई? क्या किसी तरह के नियमों की अनदेखी हुई? रूपरेखा कोई ऐसी स्ट्रेटेजी देखने को नहीं मिली है। 9 दिन हो चुके हैं और मजदूरों की जिंदगी सांसत में है, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि मजदूरों की संख्या क्या है। जो प्रशासन कह रहा है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी एक सवाल है। घोर लापरवाही दिख रही है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस वक्त 3.25 लाख करोड़ की लागत से टनल बनाई जा रही है। ये टनल कई रेल और सड़क प्रोजेक्ट में बनाई जा रही है, इसीलिए उत्तरकाशी में हुआ ये हादसा सभी प्रोजेक्ट के सुरक्षा की सवाल की वो दस्तक है जिसे हर हाल सरकारों को गंभीरता से लेना ही होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। पर ये मामला जो है वो केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, इस तरह का खतरा उन सभी राज्यों में है जहां पहाड़ों को काट कर सुरंग बनाई जा रही है। उत्तरकाशी के जिस टनल में मजदूर फंसे हैं वो डंडलगांव, यमुनोत्री हाईवे और सिलक्यारा के बीच बनी है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जहां एंट्री पॉइंट से 200 मीटर आगे पहाड़ का मलबा गिरने से 41 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले खाना जरूर पहुंचाया गया है, 24 बोतल खिचड़ी पहुंचाई गई है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी, जो पहाड़ी राज्यों में इस तरह से सुरंग जब बनाई जाती है वहां पर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की, अपडेट लिया कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले एयरफोर्स के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान 36 टन जरूरी उपकरण लेकर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरह की परेशानियां यहां पर आ रही हैं उस सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में, उसके लिए बहुत उपकरणों की आवश्यकता है। चूंकि जटिल इलाके में है तो वहां तक उपकरण पहुंचाना भी मुश्किल है, तो अब ये 2 विमान वो जरूरी उपकरण लेकर निकले हैं। सिलक्यारा सुरंग का पुराना वीडियो है जिसमें आप सुरंग के भीतर की तस्वीर देख सकते हैं। इसी सुरंग को बनाते वक्त 12 तारीख को 41 मजदूर फंस गए। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि वो किस हालत में होंगे। 12 तारीख से एक पतले से पाइप में पानी के मग से चावल का ये मुरमुरा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुँचाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से ये उनकी जिंदगी का आसरा है। कंप्रेशर वाली मशीन से पाइप के जरिए सूखे मेवे और मुरमुरे सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश तरफ भेजे गए हैं, यहाँ जब से टनल धंसा है तभी से हैं। हाँ समझ सकते हैं भाई, समझ सकते हैं। लगातार 9 दिनों तक इस तरह का खाना खाने को मजबूर, मजदूर कब बाहर निकलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उन तक खाना पहुँचाने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मजदूरों तक 6 इंच व्यास और 57 मीटर लंबा पाइप
ड्रिल करके डाला गया है, जिसके बाद अब मजदूरों को खाने पीने का सामान भेजा जा सकेगा। खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मजदूरों तक 6 इंच व्यास और 57 मीटर लंबा पाइप ड्रिल करके डाला गया है, जिसके बाद अब मजदूरों को खाने पीने का सामान भेजा जा सकेगा। बीती रात टनल के अंदर कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन अंदर तक पाइप के पहुंचने से उन्हें दवाई मिल जाएंगी। यही नहीं, उन तक मोबाइल और चार्जर भी पहुंचाने की योजना है, ताकि फंसे हुए सभी मजदूर अपने परिवार वालों से बात कर सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम सुरंग में फंसे मजदूरों की मानसिक हालत को संतुलित बनाए रखने के लिए डॉक्टरों की मदद ले रही है। डॉक्टरों की सलाह से सुरंग मजदूरों तक दवाइयां और सलाह भी भेजी जा रही है, लेकिन अब भी रेस्क्यू टीम के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि कैसे मजदूरों का हौसला बरकरार रखा जाए, और दूसरी खुदाई के वक्त सुरंग का मलबा मजदूरों पर गिरने से बचाया जा सके। मजदूरों को जल्द से जल्द सुरंग के बाहर निकालने के लिए अब 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। जो मशीन चल रही है वहां मलबा गिर रहा था उसके वाइब्रेशन से, जैसे ही मशीन ड्रिलिंग करती है आगे कोई ठोस चीज आती है तो मशीन का घर्षण बढ़ता है, उससे कंपन हो रहा है और कंपन से मलबा गिर रहा है। अब इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स मंगाए गए हैं जो मशीन को साथ साथ गुफा के एक हिस्से में यानी सुरंग के एक हिस्से में ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक काम क्या करेंगे, समझिए कि ये एक मुहाना है जहां पर मशीन काम कर रही है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, मलबा गिर रहा है। जहां काम चल रहा है वहां भी बड़ी संख्या में मजदूर और एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, और ऐसे में एक और बड़ा हादसा ना हो जाए अब ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसका रास्ता ये होगा कि मान लीजिए अगर यहां से मलबा गिरा, वो तमाम सारे लोगों को यहां से निकलकर 200 मीटर बाहर सुरंग के बाहर वो पहुंच सकते हैं, तो आगे जो आर्क लगे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फ्रेजाइल हिस्सा है जहां सब कुछ टूट सकता है वहां इस तरह के ब्लॉक बेहद कारगर साबित होंगे। और इसीलिए जो 6 एक्शन प्लान है उसमें एक हिस्सा ये भी महत्वपूर्ण है। प्लान नंबर 1, 900 मिलीमीटर का पाइप ड्रिल करना, सुरंग के आकार का रास्ता बनाना, सुरंग की छत को मजबूत करना। प्लान नंबर 2, पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग, मलबे के पीछे रास्ता तैयार करना। प्लान नंबर 3, सुरंग के दाईं ओर से ड्रिलिंग, सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर ड्रिलिंग। प्लान नंबर 4, सुरंग की बाईं ओर से सीधी ड्रिलिंग, मलबे के पीछे एक और रास्ता बनाना। प्लान नंबर 5, एंट्री पॉइंट से खुदाई में तेजी लाना, 450 मीटर के इलाके पर ध्यान केंद्रित रखना। प्लान नंबर 6, माइक्रो ड्रोन कैमरे की मदद, पहाड़ की चोटी से आपूर्ति लाइन डाल। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जो मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं, और इनका काम है दरअसल ये देखना कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है, और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। हम उस हिस्से पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहाड़ को ऊपर से चीरने की कोशिश की जा रही है, और ये देखिए कैसे जिन इलाकों पर हम दरअसल 3 दिन पहले आए थे कुछ भी नहीं था, अब वहां चौड़ी सड़क बन गई है। तो ये पूरी कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये जो रास्ता है यहां मूवमेंट हो जाए ताकि मशीनरी पहुंच सके। प्लान 6 के साथ साथ आस्था को भी ध्यान में रखा जा रहा है। टनल के मुहाने पर मंदिर स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं कि कैसे पुजारी यह मंत्रोच्चार कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना के शुरू होने से पहले सुरंग के मुंह के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, लेकिन दिवाली से कुछ दिन पहले टनल मैनेजमेंट ने मंदिर हटवा दिया। लोगों का मानना है कि इसी वजह से हादसा हुआ। अब भगवान से भी 41 मजदूरों को बचाने के लिए प्रार्थना हो रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक।